ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। ऐ परमात्मा, आपके सिवा और कोई नहीं है हमारे अंदर में सद्गुण को देने वाला, हमारा ही प्रयास है आपको जानने का। हमें किसी और योनि में न भेजकर हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा आपने हमें मानव योनि प्राप्त कराया है, और मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जो आपको जानने के लायक हैं, आपको पाने के लायक हैं, आपके साथ सानिध्य लाभ करने के लायक हैं। यह अन्य किसी योनि को प्राप्त ही नहीं हो पाया, ये केवल और केवल मानव को ही प्राप्त हुआ है हे परमात्मा। इसलिए आपकी तारीफ करने का स्वभाव हम मानव कहलाने वालों को प्राप्त हुआ है, और आदि सृष्टि से लेकर अब तक हमारे ऋषि मुनियों ने इन आपकी चर्चा, आपकी दिए हुए उपदेश, आपका ही रास्ता बताने के लिए या आपके रास्ते पे चलने के लिए सारे ऋषि मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया है कि हम मानव हैं, क्योंकि मानव वही होता है शास्त्र के अनुसार मत्वा कर्मणि सिद्धते। हमारे शास्त्रकारों ने कहा मनुष्य वही है जो विचारवान है, विचारशील है, बुद्धि से काम लेने वाला है, बुद्धि से काम लेता है, उसका नाम मानव है। और जो बुद्धि से काम नहीं लेता वो मानव कहलाने के हकदार या अधिकारी नहीं है। यानी सत्य सनातन वैदिक धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी बाकी धरती पर जितने भी मत मतांतर हैं, सभी मत मतांतरों में केवल और केवल मानने की बात है, वहां जानने की बात नहीं है कि उसको मान लेना। इसलिए इस्लाम का भी शाब्दिक अर्थ है सरेंडर टू अल्लाह, अल्लाह के पास अपने को समर्पित कर देना, अल्लाह के दिए हुए उपदेश को मान लेना बिना चूचरा किए। इसलिए कुरान भी गवाह है, साक्षी है कि जालिकल किताबुल्ला रईब फी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, और अगर उसमें शक हो भी फिर भी शक नहीं किया जा सकता, बांध दिया है। लेकिन वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता में यह है कि यस तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेद ने तरा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए, जवाब दे तो मानिए, जवाब न दे
को मानने की कोई भी आवश्यकता और जरूरत नहीं है। जैसा कल मैं बताया भी था कि वैदिक मान्यता यह है, वैदिक सिद्धांत यह है कि बांझ एक शब्द है और बांझ शब्द उनके लिए लागू हुआ है कि जो महिला संतान जन्म देने में असमर्थ है। जिंदगी भर जो महिला संतान जन्म नहीं दे सकती है ऐसे महिला को बांझ कहा जाता है। लेकिन कुरान का मानना है कि अल्लाह उस बांझ महिला से भी संतान उत्पत्ति करा देते हैं। तो वेद कहता है कि फिर बांझ नाम की सार्थकता कहाँ रह जाएगी। बांझ शब्द तो उसी के लिए ही प्रयोग हुआ है, उसी के लिए ही इस्तेमाल हुआ है कि जो जिंदगी में कभी भी संतान जन्म को जन्म ना दे सके, जो संतान को कभी जन्म नहीं दे सके उसका नाम बांझ है। अब उस बांझ महिला का संतान हो जाए तो फिर बांझ शब्द की सार्थकता कहाँ है। पर इस्लाम वालों को इस पर मानना ही पड़ेगा, इसको कबूल करना ही पड़ेगा। ये है ब्लाइंडनेस, ये है अंधा अनुकरण, ये है अंधविश्वास। लेकिन वैदिक सिद्धांत में, वैदिक मान्यता में अंधविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन अंधविश्वासों से बाहर निकालकर मानव समाज को यह बताया है कि वैदिक सिद्धांत में, सत्य सनातन वैदिक धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। अब अंधविश्वास क्या है? तो पौराणिक जगत वालों की मान्यता है कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अब ये देव किनको मान रहे हैं? पत्थर को। पर ऋषि मुनि कह रहे हैं कि पत्थर वो कब से है? जब से धरती बनी, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से वो पत्थर है। तो उसका नाम पत्थर तो तब पड़ा जब सृष्टि की रचना के साथ वो आया, सामने आया, उसका नाम पत्थर पड़ा। और पत्थर तब से पड़ा नहीं, पड़े तक उसको पत्थर ही रहना है। अब किसी ने उस पत्थर को देव मान ले तो वेद कहता है, वैदिक मान्यता, ऋषि मुनियों का कहना यह है कि आपका मानना सरासर गलत है। पत्थर का देवता बनना संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले पत्थर का अगर देवता हो जाए तो पत्थर नाम की सार्थकता कहाँ रह जाएगी। अब इसी बात को मैं एक मिसाल के तौर पर यह प्रमाण दे रहा हूं कि जिन लोगों की मान्यता ये है कि पत्थर भी देवता बन जाता है, या मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, तो आप अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत उठा लीजिए और कहिए कि मानो तो चीनी ना मानो तो रेत। मेरे भाई, आपके चीनी मानने से उस रेत का चीनी बनना संभव नहीं है। कुल मिलाकर वैदिक सिद्धांत यह है, वैदिक मान्यता यह है। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनि, व्यास आदि ऋषियों ने, जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, कुछ लोगों का ख्याल और विचार यह है कि एक ऋषि दूसरे ऋषि से मतभेद रखते हैं, ये सरासर झूठ है। वो जानते नहीं है ऋषि ऋषि से मतभेद रखने। ऋषि ऋषि से मतभेद रखे तो वो ऋषि नहीं कहला सकते कि क्यों, क्यों, क्योंकि ऋषि वही मंत्र द्रष्टा, अर्थात ऋषि वही होते हैं, ऋषि वही कहलाते हैं जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों के द्रष्टा होते हैं, उनका नाम ऋषि होता है। तो एक ऋषि दूसरे ऋषि के विरोधी हैं, ये सरासर गलत है। हमारे सारे आर्य जगत के विद्वानों ने इस पर बहुत काम किए और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है। मेरा भी प्रारंभिक काल था आर्य समाज में, आचार्य उदयवीर जी शास्त्री का मैं बड़ा सानिध्य पाया हूँ सन्नास आश्रम गाजियाबाद में। वही सन्नास आश्रम गाजियाबाद में अभी 22, 23, 24, 25 सितंबर का मेरा प्रोग्राम है। आसपास के लोगों को भी चाहिए कि अगर आप लोगों को यह सूचना जा रही है, मिल रही है, तो जरूर वहां पहुंचे। आचार्य उदयवीर जी शास्त्री जो दर्शन आचार्य हमारे हुए हैं, मैं उनका सानिध्य पाया हूँ स्वामी प्रेमानंद जी के काल में। उन दिनों में आचार्य के आश्रम के आचार्य स्वामी प्रेमानंद जी होते थे और उदयवीर जी ने भी यही दर्शाया है कि एक ऋषि दूसरे ऋषि के विरोधी नहीं है। अनेक सालों ने, अनेक लेखकों ने बताया, अनेक विद्वानों ने बताया।
तो मैं यहाँ कह रहा था कि रेत का चीनी बनना संभव नहीं है। क्यों? कि रेत नाम तो उस समय से ही है जब सृष्टि की रचना हुई, उस समय से वो रेत है, तो रेत का चीनी बनना कैसा संभव होगा? चीनी बनाने के लिए न मालूम कितना परिश्रम करना पड़ता है। पहले तो आपको गन्ना बोना पड़ेगा, फिर उस गन्ना जब तैयार हो जाएगा उसको काट करके लाना पड़ेगा, करेशर के नीचे लाएं या शुगर मिल में ले जाएं, उसको पिरोने के बाद फिर उसका चीनी बनना संभव होगा। चीनी बनने के लिए भी कठिनाई है। चीनी बनना तब संभव होगा तो जब रेत को आप चीनी नहीं बना सकते हैं तो पत्थर को देवता कैसे बना लेंगे आप? इसलिए वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता यह है कि जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना और मानना यह मानवता है, लेकिन इस्लामी से सहमत नहीं है। तो मैं वही जाकिर नाइक को अभी सुन रहा था कि बांग्लादेश में उनका प्रोग्राम हुआ, अभी जो बांग्लादेशी एक आतंकवादी जो अपने को जाकिर नाइक का चेला बताया है, तो बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोग्राम जाकिर नाइक के हुए हैं और बांग्ला भाषा में ही उन्होंने दिया है। बांग्ला भाषा में वो कैसे बोल रहे थे ये मैं नहीं समझ पाया कि कौन से टेक्निक है ऐसा, क्योंकि वो बांग्ला तो जानते नहीं है। वहाँ अभी मैं सुन रहा था कि एक महिला जो जैन परिवार में जन्म ली, हिंदू परिवार में पली, क्रिश्चियनिटी में पढ़ाई लिखाई हुई और मुसलमान से शादी किया, वो जाकिर नाइक से कह रहा है कि हमें भी इस्लाम समझा दीजिए, बता दीजिए कि मैं उस पर अमल करूं। तो मैं हैरान इस बात से हूं कि जाकिर नाइक भी वहां कह रहा है कि जन्म से हम मुसलमान बने, जब बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान बनता है। अरे बच्चा पैदा होता अगर मुसलमान बनता है तो उसके कान में अजान क्यों सुनाते जब वो पैदा ही हुआ मुसलमान? फिर उसको अजान सुनाने का क्या मतलब है भाई? दाहिना कान में आप अजान सुनाते हो, बायां कान में आप तकबीर सुनाते हो, इसका कारण क्या पड़ा? तो मैं जाकिर नाइक के जवाब में आप लोगों को अब तक 4 वीडियो दे रखा हूं, यद्यपि YouTube में बहुत सारे लगे हुए हैं, जो वो सिमिलरिटी चिल्ला रहे हैं कि समानता है इस्लाम एंड हिंदुइज्म में, वो तो कोरा झूठ है जिसका प्रमाण मैं दे चुका हूं। लेकिन जाकिर नाइक को अगर वाकई में सिमिलरिटी दिखाना था, समानता दिखानी थी, तो बाइबल के साथ दिखाता, ईसाइयों के साथ दिखाता, क्योंकि ईसाई और इस्लाम दोनों में समानता है। ईसाई लोग भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा मसीह तक सभी पैगंबरों को मानते हैं, और इस्लाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मोहम्मद तक 1,00,000 या 2,24,000 पैगंबर मानते हैं। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ये बेचारे गिनती भी नहीं जानते हैं, अगर गिनती जानते होते तो सटीक बता देते 1,24,000 या 2,24,000। लेकिन 1,24,000 हो सकता है या 2,24,000 हो सकता है, फिर उसमें भी अंदेशा रहता है, कमो बेश ये कहते। अभी जाकिर नाइक को मैं सुन रहा था, वो बांग्लादेश में एक इंजीनियर, वो कह रहा है कि मैं गणितज्ञ हूं, गणित का मैं जानकार हूं, उस विषय को मैं जानता हूं और इस्लाम को स्वीकार करना चाह रहा है वो, लेकिन मैं उस गणितज्ञ से भी ये पूछता हूं कि इस्लाम में गणित कहां है। मैं प्रमाण दे रहा हूं आज कि इस्लाम गणित जानता या नहीं जानता। और आज ज्यादातर प्रचार हो रहा है, पिछले दिन भी आप लोगों ने सुने होंगे कि वैदिक गणित, जब हमारे गृह मंत्री इस समय के हैं भाई राजनाथ सिंह जी, जब ये शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने कहा था कि वैदिक गणित लागू किया जाना चाहिए, हम वैदिक गणित लागू करेंगे। और कंप्यूटर जगत वाले नासा वाले भी कह रहे हैं कि संस्कृत ही इसके लिए सहायक है, ये दुनिया मान रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस्लाम में गणित कहां है? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस्लाम वाले अपनी दुकान में या खत व किताबत करते समय 786 लिखते हैं, 786,
786 लिखते हैं और कई बार बटा 92 भी लिखते हैं, कई बार बटा 66 भी लिखते हैं। 66 अल्लाह का नाम है, 92 मोहम्मद का नाम है और 786 ये कुल शब्द है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कोड वर्ड है। ये अबजद कलमा से इसको निकाला जाता है, जिस अबजद कलमा में अरबी के 28 अक्षर दिखाए गए हैं, 28 अक्षर बताए गए हैं। अबजद हु वजहुती कलमन साफत करसस्तर, ये 28 अक्षर हैं, उन 28 अक्षरों के नंबर होते हैं और नंबर भी कैसा है देखिएगा, मुलाहजा फरमाइएगा कि इस्लाम वालों के नंबर क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद दुनिया वाले 11 गिनते हैं, लेकिन उस अबजद कलमा में बताया गया है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 के बाद दुनिया वाले 101 गिनते हैं, पर वहां उस अबजद कलमा में मुसलमानों को गिनना पड़ेगा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ये 28 हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द को लिखने के लिए 19 हुरूफ को लिखना पड़ता है, 19 हुरूफ का जोड़ है 786। उन 19 हुरूफों में कौन कौन सी हुरूफ है वो भी मैं बता देता हूं। बे सीन मीम, अलीफ लाम लाम हे, अलीफ लाम रे, खे मीम नू, अलीफ लाम रे, खे या मीम, ये 19 हुरूफ है। इन 19 हुरूफों का कुल जोड़ है 786, लेकिन मैं उस गणितज्ञ से और जाकिर नाइक से लेकर के सभी इस्लाम जगत के आलिमों से पूछता हूँ कि 786 जो आप पढ़ रहे हैं वो 786 दाहिने से पढ़ रहे हैं या बाएं से, क्योंकि उर्दू अरबी फारसी ये सब दाहिने से पढ़ा जाता है, सिंधी भी दाहिने से ही पढ़ा जाता है। तो जब दाहिने से पढ़ा जाता है, लिखा भी जाता है दाहिने से, तो लिखा गया दाहिने से, पढ़ा भी गया दाहिने से, तो आप इसको बाएं से क्यों पढ़ रहे हैं भाई? 786 तो बाएं से पढ़ने पर बनेगा, दाएं से पढ़ेंगे 687 बनेगा। तो गणित आपके पास है, आप जानते हैं गणित, गणित सीखना हो तो वेद से सीखना पड़ेगा। वेद से अलग कहीं पर किसी के पास गणित नहीं है। ऐसा भी, मैं हॉलैंड में था तो वहां पर अमेरिका से आए हुए थे डॉक्टर सुभाष काक, वो आर्य महासम्मेलन था, तो डॉक्टर सुभाष काक भी बहुत भांज रहे थे कि पाश्चात्य विद्वानों ने ये किया वो किया दुनिया भर का। तो मैंने डॉक्टर सुभाष काक से पूछा कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप गिनती कहां से शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा एक। फौरन मैंने कहा पौने एक। बोले क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एक अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो पौने एक है, तो आपने एक कैसे गिना? वो भी आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा एक नहीं, मैं आधा बोलूंगा, क्वार्टर बोलूंगा, एक के नजदीक आने में भी समय लगेगा, इसलिए हमारी गिनती शुरू होती है जीरो से। तो ये दुनिया वाले नहीं जानते वेद के सिवा, ये किसी को मालूम ही नहीं है, कोई पता नहीं जानता इसका। तो 786 इन्होंने जो पढ़ी या लिखा गया, तो इनका लिखना पढ़ना दाहिने से होता है, और लिखना भी दाहिने से होता है, पढ़ना भी दाहिने से होता है। तो इसको बाएं से क्यों पढ़ रहे हैं? बाएं से पढ़ने पर ही 786 बनेगा, दाहिने से पढ़ने पर। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक से लेकर के 9 तक दाहिने से लिखा जाएगा, दाहिने से पढ़ा जाएगा, जब 10 लिखेंगे तो बाएं से ही पढ़ना पड़ेगा, दाहिने वाला मामला खत्म। वेद को लेना पड़ेगा, वेद के सानिध्य में ही जाना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, बतला रहा हूं कि सिमिलरिटी आपको इस्लाम और हिंदू में कहां दिखाई पड़े। अगर सिमिलरिटी है, समानता है इस्लाम के साथ किसी और का, तो बाइबल का होना संभव है, क्योंकि बाइबल भी वही मानता है जो आप मानते हैं। सिर्फ बाइबल में मोहम्मद की चर्चा नहीं है,
आपने उस ईसा के बाद मोहम्मद को जोड़ा। ये अंतर है कुरान और बाइबल में। अब बाइबल वालों की मान्यता देखिएगा जरा, ये क्या कह रहे हैं। ये विषय उत्पत्ति विषय है, उसकी रूपरेखा इस प्रकार से है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए बाइबल वाले क्या कह रहे हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहां 7 दिन में बतलाया, कुरान भी 6 दिन में बतलाया, वलकद खलकना समावाति वल अर्ध फी सित्तत अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आया। कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। एक जगह नहीं, कुरान में अनेक जगह आया है, मैं बहुत सारे जगह बोल रखा हूं, बहुत सारे मंच पे उपदेश दे रखा हूं, और फिर यहां बाइबल के लिए बोल रहा हूं। बाइबल वालों की मान्यता देखिएगा कि बाइबल वालों की मान्यता क्या है। बाइबल वाले ये मान रहे हैं कि पृथ्वी बेडोल और वीरान थी। अरे कुछ बनने से पहले, कुछ अभी बनाया ही नहीं गया था, तो पृथ्वी बेडोल क्यों और कैसे हो गई भाई? पृथ्वी बेडोल कैसी थी और अथाह जल के सतह पर अग्नि अंधी आ रहा था। जब पृथ्वी है तो वहां जल आया कहां से? तो पृथ्वी बेडोल थी और वीरान थी और अथाह जल के सतह पर अंधियारा छाया था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडरा रहा था। यद्यपि मैं अपनी पुस्तक में लिख रखा हूं और बोल भी रखा हूं, मैं फिर पूछता हूं इन बाइबल वालों से, जिन बाइबल वालों ने मुझे बहुत सारा ऑफर दिया है धन और दौलत का और अफसराओं का भी। साफ लिखा है कि मैं 20 साल की हूं, साफ बताया है कि मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं हूं, लेकिन एक से एक बढ़िया माल सौरभ श्रेष्ठ आपको दे सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था, ये बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय में लिखा है, तो उस मंडराती हुई आत्मा को देखा किसने? बोले क्या मतलब? जब पादरी से मेरा शास्त्रार्थ हुआ कलकत्ता शहर में, 42 शंकर घोष लेन आर्य प्रतिनिधि सभा के ऑफिस में, कार्यालय में, तो मैंने उनसे पूछा, बस लिख दिया है। मैंने कहा लिखा तो लिखने वाला देखा है या बिना देखे लिख दिया? मैंने कहा यहां लिख दिया, और मैं कुरान उनको दिखाया कि कुरान में कुछ और लिखा बता रहा है। तो किसकी माने हम, कुरान की माने, आपकी माने, कौन सी मान्यता है? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। देखिए बाइबल का परमेश्वर क्या कह रहा है, उजियाला हो जा। किसको कहा? ये तो एक आदेश है। मेरे सामने कोई होगा तो मैं उसको कहूंगा कि भाई ये काम कर, पानी पिला दे। तो जब कोई वस्तु थी ही नहीं, उस बाइबल रूपी गॉड ने उजियाला हो जा किसको कहा, और उजियाला हो गया। अरे कहा किसने? यहोवा ने कहा, गॉड ने कहा, लेकिन किसको कहा जवाब नहीं आया, और उजियाला हो गया। मुझे तो लग रहा है जैसा वो दीवार में लाइट के बटन दबा रहे हों, बटन दबाने से रोशनी हो जाती है। ये बच्चों वाली खेल किस तरीके से लोग इसको धर्म कह रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। देखिए बाइबल के परमेश्वर को उजियाला अच्छा होता है ये ज्ञान नहीं था। ये बाइबल रूपी परमेश्वर कह रहे हैं कि उजियाला को देख करके बड़ा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग कर दिया। देखिए मूर्खता। अब दुनिया वाले सभी जानते हैं कि बत्ती जलाने से अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, चाहे आप लाइट जलाएं बिजली वाली,
चिराग जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, तो लाइट के जलाने से अंधेरा अपने आप दूर होता है या नहीं होता है? लेकिन यहां बाइबल रूपी गॉड अंधेरे को अलग किया और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधेरे को रात बता दिया। यानी बाइबल रूपी गॉड को दिन का भी पता नहीं और रात का भी पता नहीं। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। मैं इन अकल के दुश्मनों से पूछता हूं कि सूरज के बगैर उस गॉड को पता लगा, यहोवा को पता कैसे लगा? एक दिन हुआ, अब दूसरा दिन देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो। अब जल के बीच में अंतर होने के लिए जब तक वहां आप आदमी नहीं लगाएंगे, बाउंड्री नहीं लगाएंगे। मैं हॉलैंड के अंदर में देखा समुन्दर को बांधा है लोगों ने बीच से, तो क्या इस परमेश्वर के कहने पर समुन्दर बंध गया या वहां पर आदमी लगे, लेबर लगाया गया बांधने के लिए? सारे सामानों को, औजारों को, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया गया क्या उससे पहले अपने आप बन जाएगा? तो यहां गॉड ने कहा तब वो जल से अलग करे। तब परमेश्वर ने अंतर स्थापित करके अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया। तो अब नीचे के जल को और ऊपर के जल को अगर परमेश्वर अलग कर रहे हैं तो परमेश्वर वहां लेबर दे रहे हैं, इसका मतलब राजमिस्त्री है परमेश्वर या राजमिस्त्री के जुगाड़िया, हेल्प करने वाला, हेल्पर, तभी तो हो रहा है, वरना होना कैसे संभव होगा? और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश, देखिए क्या तमाशा है जैसा मैंने बताया कि कुरान वालों को भी आकाश का आभास नहीं है। आकाश, आकाश के माने खाली जगह, आकाश के माने खाली जगह है, शून्य स्थान है। और यहां परमेश्वर भी वही बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश बताया, तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखिए परमेश्वर का दिन और रात बनाने का तरीका, देखिए बाइबल के परमेश्वर का दिन और रात बनाने का तरीका, देखिए क्या हो रहा है। फिर तीसरा दिन, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश को नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जा। ये सब हुक्म दे रहे हैं और हुक्म देने के साथ साथ काम करने वाला किसी को दिखाया नहीं जा रहा है, किसी को बताया नहीं जा रहा है, ये यहोवा खुद कर रहे होंगे। जब वहां कोई काम करने वाला नहीं है तो अपने आप कैसे हो जाएगा? आकाश में शब्द को कहने से कुछ सामान बनना संभव होगा, कोई चीज तैयार होना संभव होगा क्या? इसको धर्म कहा जा रहा है, धार्मिक ग्रंथ माने जा रहे हैं। और कुरान का भी मसला ठीक यही है, सिमिलरिटी कुरान और बाइबल में तो एक होना संभव है लेकिन वेद के साथ समानता होना संभव नहीं है। हिंदुओं के साथ समान होना संभव नहीं है, हिंदुओं की मान्यता अलग है, हिंदू वेद को मानता है भले ही उस पर आचरण हिंदू न करे, लेकिन कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा चाहे वो सड़क पर कागज चुनता क्यों ना फिरे, वो वेद को डिनाई करता है, ऐसा कोई हिंदू ही नहीं होगा। अगर वेद को डिनाई किया तो बौद्धिस्टों ने किया, वेद को अगर डिनाई किया तो जैनियों ने किया, वेद को अगर डिनाई किया तो कम्युनिस्टों ने किया, वेद को अगर डिनाई किया तो इस्लाम वालों ने किया, वेद को अगर डिनाई किया तो ईसाई लोगों ने किया। इसीलिए वेद परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को अपना ज्ञान दिया है और उसी ज्ञान में इन सब बातों को खोल खोल करके रखा। अब यहां देखिए इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि दिखाई दी,
पानी के इकट्ठा होने से सूखी भूमि दिखाई दी और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी देखिए और ऊपर बताया कि पृथ्वी बनी, अब यहां फिर पृथ्वी बनाया जा रहा है। तो पहले वाली बात सही है गॉड का यहोवा का या अब वाली बात सही है? तो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। समुद्र के बारे में भी परमेश्वर को आभास नहीं था, यहोवा जानता ही नहीं था कि समुद्र होता है क्या है, अब उसको अच्छा लग रहा है। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करें, पृथ्वी को आदेश दिया। देखिए पृथ्वी जड़ है और उस पृथ्वी को यहोवा आदेश दे रहे हैं कि वनस्पति उत्पन्न करें। तो वनस्पति उत्पन्न करें, ये पृथ्वी जड़ होने के बावजूद भी पृथ्वी से वनस्पति का उत्पन्न होना कैसा संभव होगा? इसलिए मैं बोल रखा हूं वहां द क्रिएशन ऑफ साइंस को आप सुनेंगे तो सृष्टि की रचना क्यों और कैसे होती है, कैसी की जाती है, सृष्टि की रचना अनादि काल से है और किस प्रकार से होता है उसको जानने बिना। इसलिए ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं इस बात को कि जो सृष्टि की रचना नहीं जानता है वह परमात्मा को नहीं जान पाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करें अर्थात पृथ्वी पर बीज वाले पौधे और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगे। वहां पर उगाया नहीं जा रहा है, वृक्ष वाली और कांटेदार वाली ये फल उगे जिनके बीज उन्हीं में हो, और ऐसा ही हो गया। और पृथ्वी से वनस्पति अर्थात अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे और फलदायक वृक्ष उगे जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यानी इन सब चीजों को परमेश्वर देख करके अच्छा बता रहे हैं। अब यहां परमेश्वर देखने के लिए परमेश्वर आंख से देख रहे हैं तो शरीरधारी होगा तभी देख रहे हैं, लेकिन बाबा तुलसी जो हिंदू हिंदू सिमिलरिटी बोल रहे हैं ना, पर हिंदू क्या मानता है? हिंदू मानता है बाबा तुलसी कह रहे बिन पग चले सुने बिनु काना, क्या है लोगों वो परमात्मा बिना आंख का देखने वाला, बिना हाथ का करने वाला, बिना पैर का चलने वाला, बिना कान का सुनने वाला, यही तो वेद कह रहा है। अचुक्रम अकायम शब्द आया परमात्मा के लिए, लेकिन ये बाइबल का कहना। देखिए तब संध्या हुई फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार से तीसरा दिन हो गया। अब चौथा दिन में क्या हो रहा देखिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों नियत समयों और दिनों तथा वर्षा के लिए हों। वे पृथ्वी पर आकाश देने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां ठहरे, और ऐसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी जातियां बनाई कि जिनमें से बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करे और छोटी ज्योति रात्रि पर प्रभुता करे। जो सूरज और चांद की बात आई है, अब देखिए अब यहाँ बड़ी ज्योति सूरज और छोटी ज्योति चंद्रमा। तो बड़ी ज्योति जो सूरज है वह दिन पर राज करे और छोटी ज्योति चंद्रमा रात पर राज करे। अब ये सूरज को बनाया कब जा रहा है? चौथा दिन में। पर मैं इन अकलमंदों को पूछना चाहता हूं, इन अकलमंद लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने को अकलमंद कहते हैं तो आपके बाइबिल के माध्यम से ही, यही मैं प्रमाण दे रहा हूं, बाइबिल में जो लिखा है उसे ही मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, बता रहा हूं। सृष्टि उत्पत्ति विषय में ही परमेश्वर ने, यहोवा ने चौथा दिन में सूरज को बनाया। पर मेरा सवाल यह है कि सूरज को बनाए बिना उस यहोवा को, उस गॉड को पता कैसे लगा कि इससे पहले तीन दिन हो गया? सूरज के बगैर दिन का पता लगना संभव नहीं है।
उसने उसमें तारागण भी परमेश्वर ने आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर आकाश प्रकाश दे तथा दिन और रात्रि पर प्रभुता करे और उजियाला को अंधियारा से अलग रखे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब पांचवा दिन में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा जल झुंड के झुंड बीच जंतुओं से अत्यधिक भार भर जाएं और पृथ्वी के ऊपर आकाश के विस्तार में पक्षी उड़े। और परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने फिरने वाले जंतु की सृष्टि की, जिनकी भिन्न भिन्न जातियों से जल बहुत ही भर गया। और इसी प्रकार एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कहकर आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। देखिए परमात्मा आशीर्वाद किनको दे रहे हैं? मानव को आशीर्वाद देना तो सार्थकता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं जीव जंतु को, फल मूल कण को, और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षी बहुत ही बड़े। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन बन गया। जैसा नानी घर का खेल मान रहा है, संध्या होना, सुबारा होना और अब छठा दिन में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु उसकी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करें। और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाली जाति के सब जंतुओं को बनाया। देखिए ऊपर पहले से ही और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएंगे। देखिए यहाँ परमेश्वर में, यहोवा में और मनुष्य में, यहोवा कह रहे हैं कि मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। या अल्लाह ने भी आदम के लिए ऐसा ही कहा है, उठाइया कसस लंबिया, उस पुस्तक में भी देखिए अपने शकल सूरत वाला अल्लाह ने बनाया, हम शकल बनाया। अब परमेश्वर बाइबल के भी यही कह रहे हैं। सिमिलरिटी कुरान और बाइबल में हुई या वेद और कुरान में, या हिंदुओं की किसी मजहबी किताब में, हिंदुओं को किसी मजहबी किताब से इन बातों को दिखा दे कि हाँ यहाँ ये समानता है? नहीं है। जाकिर नाइक धोखा खाए हुए हैं और दुनिया को धोखा दे रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम कहकर, हिंदुओं को गड़गड़ा रहे हैं। वहां मैं अभी जो सुन रहा था बांग्लादेश का प्रोग्राम, उनका वीडियो, ये हिंदू घराने वाले भी चिंतन और मनन नहीं करते। जो महिला वहां कह रही है कि जैन परिवार में जन्म हुआ, हिंदू में पले, ईसाइयों में पढ़े, मुसलमान से शादी किया, मैं तो इन सभी हिंदू घराने के महिलाओं को ये कहूंगा कि सबको योदा भाई बनना चाहिए। योदा भाई कौन थी? योदा भाई एक राजपूताना घर की शक्तिशाली महिला थी जो अकबर से शादी की थी।
जिन्होंने अकबर से शादी किया था। आप कहेंगे तो अगर हिंदू घराने की महिला थी तो अकबर से शादी करने का क्या मतलब? अरे अकबर से भले ही उन्होंने शादी की होगी, लेकिन उन्होंने अकबर को दीन इलाही नाम की एक संस्था बनाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उस काल में, उस जमाने में अकबर ने तमाम इस्लाम जगत के बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े मुफ्तियों को, शेखुल हदीस को और मुफस्सिर कुरान को बुलाकर युदाबाई के तर्क के आधार पर उनसे सवाल पूछा था। उन लोगों से जवाब नहीं हुआ तो अकबर बादशाह ने बीरबल को कहा कि मुझे तुम अपने दीन में मिला लो, लेकिन ये हिंदुओं की मूर्खता के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, बीरबल की मूर्खता के कारण अकबर को अपने दीन में मिलाया नहीं गया। अगर उस काल में अपने दीन में अकबर को मिलाया गया होता तो आज ना पाकिस्तान का जन्म होता, ना पाकिस्तानी आतंकवादी जन्म लेते जो आज इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब परेशानियों से छुटकारा हमें उसी दिन ही मिल गया होता अगर ये मूर्ख बीरबल अकबर को अपने दीन में मिला लेते होते। तो मैं ये कह रहा था कि अकबर जो इस्लाम छोड़कर वैदिक धर्म को स्वीकार करना चाहा, वो तो केवल और केवल मेहरबानी योदाबाई की थी। तो हमारे हिंदू घराने के महिलाओं को, लड़कियों को भी आज योदाबाई बनना पड़ेगा। अगर हिंदू घराने की लड़कियां योदाबाई बन जाती हैं तो उन्हें कोई वरगला नहीं सकता, ना जाकिर नाइक उसको मुसलमान बना सकता है, ना इस्लाम का कोई भी धर्म आचार्य धर्म प्रचार। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था, उसको मैं अगर मौका मिला तो लेकर के दूंगा। मैं किस परिस्थिति में कहां बैठ करके किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, वो इसको देख करके आप लोग भी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। गाड़ी की धनाधन आवाज आ रही है, लोगों का आना जाना लगा है, लेकिन हिंदू तो अचेत है। हिंदू जानता नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जाकिर नाइक जिस ठाट से जिस कार्यक्रम को कर रहा है, जिस तरीके से उनका आयोजन किया गया है, एक एक वीडियो का जवाब मेरे पास मौजूद है, मैं सबको निरुत्तर कर सकता हूं। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि वेद के सामने मैं किसी को खाता खोलने ही नहीं दूंगा। ये मेरी दावा है, ये मेरी चुनौती है, और न वेद के सामने कोई खाता खोल सकते हैं। तो मैं वही निवेदन कर रहा था कि हमारे घराने की बेटियां जो आज मुसलमान बन रही है, उन इस्लाम वालों को निरुत्तर करना चुटकी का खेल है, चुटकी का काम है, पर ये नहीं कर पाती। कारण क्या है? कारण यही है कि वो अपने बारे में कुछ जानती नहीं है। लेकिन योदाबाई जो राजपूतानी घराने की महिला थी, महाराणा प्रताप के परिवार की थी, वो जानती थी कि उनके घर से संस्कार मिला हुआ था, उनके घर से वैदिक संस्कृति की जानकारी मिली थी। उनके पूर्वजों ने उनको वेद के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक सिद्धांत के बारे में जानकारी कराई थी, तभी वो अपना पूरा प्रभाव अकबर पर डाली। तो अकबर विचलित हो उठे निरुत्तर होकर के। तभी अकबर ने बीरबल को बुला करके कहा था, बताया था, लेकिन उस मूर्ख बीरबल ने अकबर को अपने दीन में नहीं मिलाया। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि अगर उन दिनों में यह काम हो गया होता तो आज जो मैं भी 600 हिंदू घराने के लड़कियों को वैदिक धर्मी बनाया हूं, अपने दीन में वापस लौटाया हूं, जो मुसलमान बन चुकी थी। जामे मिल्लिया से मैंने 3 लड़कियों को निकाला, लेकिन हिंदू तो अचेत है, क्योंकि हिंदू तो जानता नहीं। यही ना रविशंकर, श्री श्री रविशंकर हारे थे जाकिर नाइक के पास। जाकिर नाइक देना मेरे इन सवालों का जवाब, देना जरा, जिस जाकिर नाइक के सामने में श्री श्री रविशंकर जी हारे थे। रविशंकर जी को जाना ही नहीं था, वो इस्लाम के बारे में जानते नहीं है, तो निरुत्तर उनको क्यों और कैसे करते? रविशंकर तो अपने बारे में भी नहीं जानते। लिविंग ऑफ आर्ट का मतलब वैदिक सिद्धांत का जानकार नहीं है, ये तो केवल तमाशबीन लोग हैं, तमाशा जुटाने के लिए, मदारी वाला खेल करने के लिए ही लोग जुटाते हैं। और इन्हें ये मालूम भी नहीं है कि भीड़ भेड़ों की होती है। भीड़ किनकी होती है? भेड़ों की। और वही सब इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन शेर अकेला चलता है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मेरे उठाए हुए सवालों का जवाब देना कोई, चाहे कुरान वाला दे, चाहे बाइबल वाला दे, चाहे त्रिपिटक जिंदा व्यवस्था बीजक गुरु ग्रंथ वाला दे, या हिंदू कहलाने वाले दे मेरे सवालों का जवाब। इनको निरुत्तर करने के लिए वेद के शरण में आना पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि माता योदाबाई
मेरी किस विषम परिस्थिति में मैं काम कर रहा हूं वो देखिए। ट्रेन जा रही है, ट्रेन की दनादन आवाज आप लोग भी सुन रहे हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, कोई न समझे ना समझे, अगर ये तामझाम करके इस तरीके का काम कर दिया गया होता तो न मालूम अब तक हम कहां पहुंचते। 33 साल हो गए, 33 साल कम नहीं होता। और आर्य समाजी तो अकल के दुश्मन है, ये न काम करेंगे न करने देंगे। ये तो समझ रहे हैं कि महेंद्रपाल आफत हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो भी ABCD वैदिक सिद्धांत का नहीं जानते। ये जितने भी हमारे आर्य समाज के अधिकारी हैं, बहुत कम ही लोग हैं। युधिष्ठिर मीमांसक जैसे विद्वानों ने 6 बार एक कई प्रोग्राम में रहा, 6 बार उनके साथ में प्रोग्राम रहा, पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूं, युधिष्ठिर मीमांसक जी कह रहे हैं कि महेंद्रपाल जी आपने बहुत जल्दी में वैदिक सिद्धांत को जाना है, जानने का प्रयास किया है। आर्य समाज में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन वैदिक सिद्धांत के जानकारों की कमी है। और आपने उस सिद्धांत को जाना है, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, परमात्मा आपको और इसे जानने की क्षमता प्रदान करे, ये आशीर्वाद उन विद्वानों का है मेरे लिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि इन बातों को सोचने समझने जानने के लिए वेद के शरण में आना पड़ेगा। जो योदाबाई जानती थी, योदाबाई उसी जानकारी के मातहत, उसी जानकारी के माध्यम से भी अकबर को निरुत्तर कर रखी थी। तो अकबर ने उन दिनों में बड़े बड़े आलिम को, यानी इस्लाम जगत के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया बीरबल के ही माध्यम से, और उन लोगों के सामने सवाल रखा, जवाब नहीं दे पाए। और यही हाल ऋषि दयानंद के साथ भी हुआ। पढ़िए ऋषि दयानंद के जीवनी को। 1872 में जब ऋषि दयानंद बंगाल के धरती पर आए, यहां पर ब्रह्म समाजियों से परिचय हुआ। लाहौर के ब्रह्म समाजियों ने ऋषि दयानंद को निमंत्रण दिया, ऋषि दयानंद वहां गए। राजा राम मोहन राय इस उद्देश्य से, कुछ लोगों का ख्याल और विचार यह है कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों को पिट्ठू थे, ये सरासर झूठ है। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी को पढ़ लिएगा, गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने भी राजा राम मोहन राय को हिंदू धर्म का पिता माना है। और गुरुदत्त शर्मा जी ने भी दो लहरों की टक्कर में राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में जब 1872 में ऋषि गए, तो लाहौर के आर्य समाजी यानी ब्रह्म समाजी आए हुए थे, तो लाहौर जाने का दावत दिया। तो ऋषि दयानंद वहां पर इसी राजा राम मोहन राय के उद्देश्य को रखने लगे कि वो किस तरीके से वेद प्रचार चाहते थे। तो ब्रह्म समाजियों ने देखा ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्म समाज से निकाल दिया ऋषि दयानंद को। और मूर्ति पूजक तो पहले से ऋषि दयानंद को स्वीकार नहीं करते थे, आज भी नहीं करते, इसीलिए ने ऋषि दयानंद के मुकाबले में स्वामी विवेकानंद को खड़ा किया। जो परमात्मा को नहीं जानते, धर्म का धार नहीं जानते, इसीलिए तो मैं मोदी जी का विरोध किया, जो 15 अगस्त को उन्होंने व्याख्यान दिया है, वेद से विवेकानंद तक, जो विवेकानंद वेद को जानते नहीं है वेद से विवेकानंद तक कह रहे हैं। तो ब्रह्म समाजियों ने निकाल दिया, हिंदुओं ने अपने घर में जगा दिया नहीं। उन दिनों में लाहौर में 1875-76-77 के दरमियान में जब ऋषि दयानंद को अगर किसी ने अपने घर में जगा दिया तो डॉक्टर अब्दुल रहीम खान नाम था उनका, उन्होंने अपने घर में जगा दिया। तो वहां पर भी ऋषि दयानंद यही सवाल उठाए जैसा कि अकबर बादशाह ने बीरबल के सामने उठाया था। तो वहां पर भी जब ऋषि दयानंद सवाल उठाए तो डॉक्टर रहीम खान के पास जवाब नहीं था, वो भी इस्लाम जगत के विद्वानों को बुलाए, उन लोगों के पास भी जवाब नहीं था। तो उन सब के चले जाने के बाद डॉक्टर रहीम खान ने दयानंद से कहा कि स्वामी जी ब्रह्म समाजियों ने आपको बुलाया, उनके खिलाफ आप बोले, मूर्ति पूजक पहले से आपको अपने घर में जगह नहीं देते, आप एक ईश्वरवाद के प्रचारक है, मैं सोचा मैं भी एक ईश्वरवादी हूं, मैं ले आया अपने घर, आप फिर मेरे ऊपर टिप्पणी करने लगे। ऋषि दयानंद ने वहां क्या जवाब दिया था बंधुओं, जरा कान खोल करके सुन लेना। ऋषि दयानंद ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके घर में रहकर आपका अन्न खाया हूं,
आप में कोई कमी रह जाए, कोई खामियां रह जाए, कोई गलती रह जाए, ये मेरे से सहन नहीं है, दयानंद तो झाड़ू लगा रहा है। एक पशु को आपने देखा होगा, वो जहां बैठता है पूंछ हिला करके वो उस जगह को साफ कर लेता है, तो मैं तो इंसान हूं, तो आपका अन्न खाया हूं मैं, आप में कमी रह जाए, ये दयानंद से सहन नहीं है। ये थे वो दयानंद, और ऐसे दयानंद के अनुयायी बनने का महेंद्रपाल आर्य को भी सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए मैं सत्य के साथ समझौता नहीं करता हूं, और जो असत लोग हैं सब इस सत्य के सामने सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा शास्त्र का कहना भी यही है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। तो अभी इस समय मैं यही था कि छोड़ रहा हूं, 50 मिनट 40-42 सेकंड हो रहा है, फिर आगे कल आप लोगों के सामने आ रहा हूं, फिर कल बताऊंगा बाकी बातों को। धन्यवाद।